हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको सीपी प्लस का बुलेट कैमरा और डोम कैमरा का अनबॉक्सिंग करके बताने वाला हूं। ये दोनों ही कैमरा आपको 2.4 मेगापिक्सल का मिलने वाला है और इसमें आपको बिल्ट इन माइक का भी सपोर्ट मिलने वाला है। तो आज के वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो हे गाइस, मेरा नाम है अनीस एंड यू आर वॉचिंग सोलंकी जी टेक्निकल। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर देना, क्योंकि मैं आपके लिए इसी प्रकार का वीडियोज़ रोजाना लाते रहता हूँ। और अगर आपको ये सीपी प्लस का बुलेट कैमरा, डोम कैमरा, 2.4 मेगापिक्सल का बिल्ट इन माइक वाला लेना होगा तो इसका बाइंग लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर इसको परचेज कर सकते हैं अमेजोन में। और ये दोनों ही कैमरा आपको 800 से 900 रुपए में मिल जाएगा 2 साल के वारंटी के साथ। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। तो चलिए अब हम करते हैं इसका अनबॉक्सिंग को स्टार्ट। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं दोनों ही बॉक्स आपको कुछ इस प्रकार का व्हाइट कलर के बॉक्स में दिखाई दे देता है। सबसे ऊपर में आपको सीपी प्लस का ब्रांडिंग देखने को मिल जाता है और मेड इन इंडिया भी लिखा हुआ मिल जाता है। सॉरी, ये है प्राउड मेकिंग इंडिया करके लिखा हुआ मिल जाता है। तो चलिए मैं इसको सिंपली वन बाई वन करके ओपन करता हूँ। तो सबसे पहले हम ओपन करते हैं 2.4 मेगापिक्सल का बुलेट कैमरा। तो आप देख सकते हैं जो बुलेट कैमरा है आपको कुछ इस प्रकार का मिल जाता है, पॉलीथीन में रैप्ड। तो चलिए हम इसको बाहर निकाल देते हैं। चलो, अब हम इसको बाहर निकाल दिए और इसको बॉक्स को रख देते हैं साइड में। चलो, बॉक्स को रख दिए हम अब साइड में। और साथ ही साथ इसमें आपको वॉल माउंट करने के लिए स्क्रू और कैप भी मिल जाता है। अब हम सेकेंड में हम इसको निकालते हैं, जो कि है हमारा डोम कैमरा, जो कि 2.4 मेगापिक्सल का बिल्ट इन माइक वाला आपको मिल जाता है। इसके अंदर भी आपको स्क्रू और कैप मिल जाता है। तो चलिए, बॉक्स को रख देते हैं साइड में। तो दोस्तों, ये रहा दो कैमरा, एक है बुलेट और एक है डोम, और दोनों ही सेम स्पेसिफिकेशन के साथ आता है। मैं सबसे पहले आपको इसका स्पेसिफिकेशन बता देता हूँ। जैसे कि दोनों ही 2.4 मेगापिक्सल के साथ आता है। मैक्सिमम रिजोल्यूशन इसका आपको फुल HD मिल जाता है, जिसमें आपको 25 से 30 फ्रेम पर सेकेंड आपको मिल जाता है। दोनों ही बिल्ट इन माइक सपोर्ट करता है और दोनों का ही जो प्राइस है वो आपको 800 से 900 के अराउंड में मिल जाता है। रेट थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन जनरली इसका प्राइस 800 से 900 के बीच में रहता है। दोनों का ही IR जो रेंज है वो आपको 20 मीटर दिया गया है। तो दोनों ही आपको एक जैसा कैमरा है, एक स्पेसिफिकेशन के साथ आता है। बस ये है इंडोर का कैमरा और ये है आउटडोर का कैमरा। आउटडोर में आपको IP67 मिल जाता है और इंडोर में आपको IP67 नहीं मिलता। यानी कि ये वाटरप्रूफ है, वेदरप्रूफ है, और ये आपका वेदरप्रूफ वाटरप्रूफ नहीं है। यही डिफरेंस है। तो चलिए, दोनों को ही मैं वन बाई वन करके ओपन करता हूँ। तो ये है हमारा बुलेट कैमरा, जो कि आपको कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है, और ये है हमारा डोम कैमरा, जो कि आपको कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है। तो आप देख सकते हैं दोनों ही में आपको DC और BNC कनेक्टर मिल जाता है एक जैसा। DC जो है वो कैमरा को पावर देने का काम आता है और BNC जो है वो सिग्नल देने का काम आता है कैमरा से DVR में, ठीक है। तो जो भी इसमें रिकॉर्डिंग होता है वो BNC के थ्रू आपके DVR में रिकॉर्ड होता है हार्ड डिस्क में। तो आप देख सकते हैं आगे में आपको कुछ इस प्रकार का इसका लेंस देखने को मिल जाता है। तो चलिए, पॉलीथिन को हम निकाल देते हैं। तो दोनों ही आपको 2.4 मेगापिक्सल का लेंस दोनों में ही देखने को मिल जाता है, जैसे कि आप देख सकते हैं। और ऊपर में आपको छोटा सा होल मिल जाता है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये है माइक का, और यहाँ पे आपको मिल जाता है, यहाँ पे भी आपको माइक का होल मिल जाता है। ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे आपको जो होल मिलता है ये इसके इनबिल्ट माइक का है। और यहाँ पे आपको सीपी प्लस का ब्रांडिंग मिल जाता है। आप देख सकते हैं जो इसका बिल्ड क्वालिटी है, काफी अच्छा क्वालिटी का आपको इसमें बिल्ड क्वालिटी दिया गया है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको, ये देखिए, यहाँ पे आपको IP67 का रेटिंग मिल जाता है, यानी कि ये वेदर प्रूफ वाटर प्रूफ है। और इसमें आपको किसी भी प्रकार का IP रेटिंग नहीं मिलता, क्योंकि ये इंडोर कैमरा है और इसमें आपको वाटर प्रूफ का IP सर्टिफिकेशन नहीं मिलता। तो दोनों का ही क्वालिटी गजब का है दोस्तों। काफ़ी अच्छे प्लास्टिक यूज़ किया गया है इसमें, इसको बनाने के लिए, और काफ़ी छोटा सा पोर्टेबल सा है। जैसे पहले का कैमरा काफ़ी बड़ा आता था साइज में, लेकिन अभी जो कैमरा है वो काफ़ी लाइट वेट और काफ़ी पोर्टेबल बना दिया गया है, ताकि ये छोटे से जगह में भी आप इसको लगा सकते हैं, और ये काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट भी है। तो दोस्तों, अगर आप इसको अपने घर के लिए, ऑफिस के लिए लेना चाहते हैं कम बजट में, जिसमें आपको बिल्ट इन माइक भी मिल जाए और आपको अच्छा खासा आपको
कैमरा का क्वालिटी भी मिल जाए जो कि 2.4 मेगापिक्सल इनफ सफिशियंट है। अगर आपको एक अच्छा सा क्वालिटी वाला कैमरा चाहिए तो 2.4 मेगापिक्सल में आप काफ़ी अच्छा वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हो फुल एचडी में 25 से 30 फ्रेम पर सेकंड। दोनों का ही रेंज आपका जो आईआर रेंज है वो 20 मीटर का दिया गया है, तो ये काफ़ी अच्छा डिस्टेंस कवर भी कर लेता है। तो दोस्तों अगर आप इसको अपने घर ऑफिस के लिए लेने का सोच रहे हैं, कम बजट है आपका, तो आप इसको ले सकते हैं। ये आपको 800 से 900 रुपए पर पीस के हिसाब में मिल जाता है। साथ ही साथ इसमें आपको 2 ईयर्स का वारंटी भी मिल जाता है कंपनी के तरफ से फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज। तो दोस्तों अगर आपको ये कैमरा लेना होगा कॉम्बो में, अगर आपको ये लेना होगा या सिंगल लेना होगा, तो दोनों का ही बाइंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर इसको अमेजोन से परचेज कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। 800 से 900 रुपए में ये आपको अप्रॉक्सीमेटली मिल जाएगा। रेट थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, हो सकता है आपको उससे कम में भी मिल जाए और हो सकता है थोड़ा ज़्यादा में भी मिल जाए, वो समय समय के हिसाब से रेट चेंज होते रहता है, फ्लक्चुएट होते रहता है। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसे लगा बताइएगा जरूर। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर देना, क्योंकि मैं आपके लिए इसी प्रकार का वीडियो रोजाना लाते रहता हूँ। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।